नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे भारत चीन पाकिस्तान की। सेना प्रमुख मनोज पांडे ने जब से कमान संभाली है वो पहली बार दौरे पर पहुंचते हैं एलएसी के, और वहां कई बड़े फैसले हुए हैं। ये फैसले आपको जानने चाहिए, क्योंकि भारत ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक बदलाव करते हुए भारी संख्या में चीन की तरफ अपनी सेना का रुख कर दिया है। जी सही सुन रहे हैं आप, पाकिस्तान की तरफ से सेना को थोड़ा मूव कराते हुए चाइना की ओर केंद्रित किया गया है। यानी कि भारत अपनी तैयारियों में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहा है। तो खबर क्या है, विस्तार से इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं आपको। सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने हाल ही में लद्दाख सेक्टर का दौरा किया, वहां पर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा हालात की समीक्षा की, और उसी के तहत चीन से जो चुनौतियां उत्पन्न हो रही है उसे निपटने के लिए सेना ने 6 डिवीजनों को एलएसी पर तैनात किया है। इसमें करीब 50,000 सैनिक हैं। ये डिवीजन पहले पाकिस्तान के मोर्चे पर और आतंकवाद से निपटने के लिए तैनात थे। लद्दाख सेक्टर में चीन के साथ टकराव के 2 साल से अधिक का वक्त हो चुका है। सेना अपने बलों के पुनः संरचना और फिर से संगठित काम करने पर जुटी हुई है, क्योंकि ये बल पहले उत्तरी सीमाओं की चुनौतियों की तुलना में पाकिस्तान के खतरे से निपटने के लिए अधिक तैयार थे। सूत्र कहते हैं इस बारे में कि पिछले 2 सालों में इस कार्य के बाद 2 डिवीजनों या करीब 35,000 सैनिकों को चीन की सीमा पर तैनात किया गया है। पहले आतंकवादी रोधी भूमिकाओं में तैनात थे। लद्दाख सेक्टर में तैनात 17 माउंटेन स्ट्राइक कोर को अब उत्तर पूर्व में तैनात किया गया है। साथ ही झारखंड से एक और डिवीजन को यहां तैनात किया गया है। इस डिवीजन के हिस्से में पहले पश्चिमी मोर्चा पर स्ट्राइक ऑपरेशनों को अंजाम देने का काम था। उत्तर प्रदेश में स्थित 2 सैन्य डिवीजनों को अब लद्दाख थिएटर के लिए नॉर्दर्न कमांड में तैनात किया गया है। उत्तराखंड स्थित 1 स्ट्राइक कोर की डिवीजन को सेंट्रल कमांड में तैनात किया गया है। इसके जिम्मे संपूर्ण सेंट्रल सेक्टर है। इस सेक्टर में चीन कई बार घुसपैठ की कोशिश कर चुका है। सूत्र कहते हैं कि सेना की 4 स्ट्राइक कोर में से 2 की तैनाती अब चीन की सीमा पर है, जबकि इनमें से 3 पाकिस्तान से लगती सीमा पर पहले इनकी तैनाती थी। भारी संख्या में सैन्य बलों की तैनाती से चीनी सेना को साफ संदेश देने की कोशिश की गई है। दरअसल चीन की तरफ से लगातार चालबाजियां चली जा रही हैं। बातचीत के नाम पर वो मेज पर बैठता है, वो सैन्य कमांडरों की बातचीत में शामिल होता है, लेकिन उसका रुख अडिग है। वो चाहता है कि सीमा पर तनाव लगातार बना रहे। ये बात भारत बखूबी समझता है। इसीलिए चीन के किसी भी मिस एडवेंचर को जवाब देने के लिए जो है भारत लगातार अपनी तैयारी जो है वो किए रहता है। और यही कारण है कि आई टू आई कॉन्टैक्ट जिस इलाके में भी है वहां पर भारत ने अपनी कम से कम मैन टू मैन मार्किंग की हुई है। यानी कि जितनी संख्या में चीनी पीएलए वहां पर तैनात है उतनी ही संख्या में भारतीय सेना ने भी अपने जवानों की तैनाती कर रखी है, ताकि चाइना की तरफ से अगर कोई हरकत हो तो फिर जवाब उसे ऐसा मिले कि चीन उसे सदियों याद रखे। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगे वो भी भारत तक आपको सबसे पहले बताएगा। देखते रहिए भारत तक।